ये अभी हम बीकानेर में ऑटो में हैं और ये गंगानगर चौराहा है। गंगानगर चौराहे से हमने ये शुरू कर दिया है पूरा। और ये ऑटो वाला भैया है। काफ़ी गर्मी है यहाँ पर अभी और ये ट्रैफिक आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये सर्किल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये बीकानेर में ऐसे ऑटो चलते हैं यहाँ पर। इस ऑटो से हम जूनागढ़ चौराहे तक जाएंगे और आगे देखते हैं फिर कहाँ क्या मिलता है। ये भीमराव अम्बेडकर ये फोटो लगती है। लालगढ़ अभी तक नहीं गया। मैं जाके तो आओ पहले। अभी लालगढ़ यहाँ का मेन बताते हैं तो वहाँ भी जाएंगे। लालगढ़ लक्ष्मी निवास पैलेस वो जाके हो मैन। ये कुछ नहीं है, ये यहाँ कुछ भी नहीं है। बोलते कृष्ण विहार होटल वो सब जाके हो। ये भैया आप यहाँ के हैं क्या? हाँ बीकानेर लोकल। आप लोकल बीकानेर के हैं और मेन जो जगह है वो बता रहे हैं ये भैया, वहाँ जाना चाहिए। गज केसरी भी अच्छा जगह है। गज केसरी है, ये सब यहाँ के मेन जो जगह है, टूरिस्ट प्लेस जो है वो है जूनागढ़। ये दूसरा सर्किल आ गया जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। और मेन जो टूरिस्ट प्लेस है वो यहाँ पर जूनागढ़ हो गया, लालगढ़ पैलेस हो गया, लक्ष्मी निवास हो गया, गज केसरी हो गया, बड़ा बाजार है बांडेश्वर जी मंदिर है। ये यहाँ के मेन अट्रैक्शन जो है, मेन जो पॉइंट है बीकानेर के, वो आपको हमने बताए हैं। और देशनोक काली माता मंदिर है, चूहों का मंदिर, जहाँ पर आपने देखा होगा कहीं वीडियो में, वहाँ पर देशनोक में है वो करनी माता का मंदिर, जहाँ चूहे हैं, चूहों का मंदिर भी बोलते हैं। ये बीकानेर के अंदर और आसपास की जो जगह है वो हमने आपको बताई है। बाकी ये हम मार्केट के अंदर से चल रहे हैं अभी। ये कौन सा बाजार आ गया? नगर निगम रोड पे चल रहे हैं अभी। आगे जूनागढ़ तक हम इस टेम्पो में जाने वाले हैं। ये भैया हमें जूनागढ़ छोड़ देंगे, फिर आगे भी हम इस वीडियो को चालू रखेंगे। आपको पूरा बीकानेर दिखाना है इस वीडियो में, आप बने रहें, काफ़ी आपको जानकारी भी मिलेगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इंजॉय करें हमारे साथ ही पूरे इस सफ़र को, बीकानेर को। ये यहाँ कुछ एक पार्क जैसा आ गया, मंदिर भी अंदर। और ये सामने हमारे जो नागढ़ आ रहा है। और ये यहाँ ये जसवंत सागर लेक जो अभी सूखा हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, गर्मी में सूख जाता है, बरसात में फिर इसमें पानी आ जाएगा। और ये सामने गढ़ यहाँ का, जूनागढ़ जिसे बोलते हैं, वो आने वाला है उसके बिल्कुल पास ही हम। और ये लेक जो अभी सूखा है, ये यहाँ का पूरा बाहर का व्यू, गढ़ के बाहर का। और एक अच्छा सा इधर स्ट्रक्चर बना हुआ है मंदिर। और ये यहाँ जूनागढ़ ये आ गया, ये भाई साहब बता रहे हैं इधर का लेना है। ये देखो ये मेन चीज़ें हैं जो यहाँ के लोकल हमें बता रहे हैं। ये जूनागढ़ का फोर्ट। और इसी रोड पे हम आगे चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा फोर्ट है, यदि बीकानेर आते हैं तो ये चीज़ें हमने बताई है। इन जगह पे आपको ज़रूर घूमना चाहिए। और ये गंगा सिंह जी की मूर्ति है यहाँ पर, स्टेचू बना हुआ है इस सर्किल के अंदर। और इसके साथ में ये पूरा व्यू। और इधर ये गढ़ है,
बड़ा गढ़ है जो हम पीछे इसके साथ साथ ही आए हैं। आइए और आगे चलते हैं। और ये गन्ने का जूस बीकानेर में, काफ़ी गर्मी है तो एक गिलास जूस पी लेते हैं। और ये जूस की दुकान है और ये सामने पूरा मार्केट है, जूस सेंटर। और ये यहाँ इस मार्केट का व्यू, ये आपको देखिए काफ़ी बड़ी लाल पत्थर से बनी हुई हवेली है, बिल्डिंग है पूरी वहाँ तक है और ये पूरा है। और इधर ये पार्क जैसा कुछ बना हुआ है, पार्क ही है ये। और यहाँ का ये बाजार, यहाँ ये वन वे है, जा नहीं सकते हैं उधर आगे, उस साइड में, उस साइड से आते हैं, सिर्फ वन वे है, जाने का मामला है। आइए आगे चलते हैं इसी में। आप देखें काफ़ी पुराना और लाल पत्थर से बना हुआ पूरा बिल्डिंगें हैं और ये पूरा मार्केट है। और ये यहाँ का पूरा व्यू है। ये कोर्ट गेट है, लाल पत्थर से बना हुआ। और ये इसके सामने का पूरा मार्केट है। आइए और इधर अंदर से चलते हैं, कोर्ट गेट के अंदर से आगे। ये कोर्ट गेट का दूसरी तरफ से व्यू, आइए और आगे चलते हैं इधर। अभी हम कोर्ट गेट बाजार में चलते हैं। हाँ मैं यहाँ पे बीकानेर में, मैं नया हूँ, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे साथी देख रहे हैं, अभी हमें सुन रहे हैं, लाइव तो नहीं है लेकिन ये रिकॉर्ड एडिट करके बाद में डाल दूँगा इस वीडियो को। और ये आगे श्री जगन्नाथ मंदिर आ गया, बड़ा गेट बना रखा है अंदर मंदिर, अभी तो लगता है बंद है मंदिर। ये कौन सा है? ये कुछ स्कूल आया, लेडी एंगल, ओके, लेडी एंगल स्कूल आया, उसका ये चौक था। और ये भी अंदर गलियों में से चल रहे हैं हम, ये बीकानेर की गलियां, आप भी इंजॉय करें। ये दुकानें यहाँ की, ये लोग यहाँ के, और ये चहल पहल यहाँ की, थाना सिटी कोतवाली। और ये कोई चौक आया और ये यहाँ फर्नीचर और बर्तन की दुकानें हैं। आज काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, बीकानेर में भी बारिश आने वाला लगता है। काफ़ी पतली गलियाँ हैं ये। और अभी दूसरा सामने से ये ऑटो आ रहा है तो हमें रुकना पड़ गया। जो मार्केट है वो काफ़ी सकड़े हो गए अभी।
अभी के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो जो गलियां जो बनी हुई थी उस हिसाब टाइम के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन अभी ये छोटी हो गई। अभी एक आगे गाड़ी वाला चल रहा है, लेकिन हमें जगह नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है इतनी। कौन सी है ये? लोहारों की गली है, इसलिए यहाँ पे लोहे का सामान ज़्यादा है देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी पतली गली हो गई अभी। ये लोहारों की गली में ये मस्जिद आई है। पूरा लोहे का सामान यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोहारों की गली में। सेठिया कोठारी कोटड़ी, सेठिया कोटड़ी है, पुरानी हवेली है। ये देखिए काफ़ी पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर। ये हवेली पुरानी है काफ़ी, मिक्स है, कुछ नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं। ये देखिए ये काफ़ी पुराना है, जर्जर हालत में है ये तो। लखमल ताराचंद, ये बड़ी हवेली है यहाँ पर, बाहर नाम लिखा है लखमल ताराचंद। टेम्पो में चलते हैं तो थोड़ा सा शेकिंग हो रहा है, हिल रहा है, जैसे जैसे टेम्पो हिलता है। कोशिश कर रहा हूँ मैं स्टेबल करने की, लेकिन टेम्पो थोड़ा सा झटका लगता है तो हिलता है। यहाँ ये देखिए बहुत पतली गलियाँ आ गई, अभी दो टेम्पो में निकलना मुश्किल है। ये कौन सी आती गली? ये अभी हम बड़ा बाज़ार में एंटर कर गए हैं। ये बड़ा बाजार की गलियां हैं, ये आप देखें यहाँ के सब्जी और फ्रूट की दुकानें, जूस की दुकानें। ये बड़ा बाजार का आपको भी दिख रहा है। बड़ा बाजार बीकानेर का सबसे पुराना बाजार है। यहीं तक हमें इस भैया ने उतार दिया है, आगे का देखते हैं। ये बड़े बाज़ार में हमने एंट्री कर लिया है और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।